नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। लुनियावाली के पति राठावास में अध्यापक ने 7 साल की छात्रा को पीटा। पिटाई भी ऐसी कि पूरे शरीर पर निशान ही निशान हो गए और छात्रा बेहोश हो गई। सवाल का जवाब न देने पर छात्रा की हुई थी पिटाई। खंड शिक्षा अधिकारी व रानिया पुलिस को दी है शिकायत। परिजनों ने मास्टर को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों में रोष भी है। आप देख रहे हैं पल पल रानिया से ओपी वर्मा की ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जोर शोर से केंद्र और राज्यों में चलाया जाता है, लेकिन वही राजकीय प्राथमिक पाठशाला पति राठावास झुड़ियावाली में पढ़ने वाली एक छात्रा की बेरहमी से पिटाई करने पर सरकार की योजना को करारा झटका लगने का काम किया है। वहीं इस मामले को लेकर के छात्रा के पिता ने खंड शिक्षा अधिकारी और रानिया पुलिस थाना रानिया में शिकायत दर्ज करवाई है। अध्यापक मुकेश कुमार भट्टी, जिसने उसकी बेटी की बेरहमी से पिटाई की थी, उसके सारे शरीर पर चोटों के कई निशान हैं। उन्होंने दोषी अध्यापक को के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसको बर्खास्त करने की मांग की है। हमारे संवाददाता ने जब बच्ची से बात की तो उन्होंने बताया कि उसके सिर के बाल पकड़ के उसे पूरी तरह से डंडों से पिटाई की थी। बच्ची ने सारी घटना की जानकारी दी। उसके बाद रानिया के अस्पताल में बच्ची का इलाज भी किया जा रहा है। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। पिट्टी है ना है, ये गांव डुडिया वाली तहसील रानिया में स्कूल में कल अपनी क्लास में गई तो एक सवाल ना आने के ऊपर एक मास्टर नाम गांव रिसालिया खेड़ा से मुकेश, तो उन्होंने इस बच्ची को सवाल न आने के ऊपर बुरी तरह शारीरिक प्रताड़ना और इस बच्ची की बुरी तरह पिटाई की। सवाल न आने के ऊपर तो उससे इस बच्ची के शरीर पर काफ़ी घाव भी आए हैं और इस ये बच्ची रानिया हॉस्पिटल में भी जो दाखिल हुई है और अभी इस मसले को हम लेके रानिया ब्लॉक शिक्षा अधिकारी साहब के पास भी आए थे, लेकिन मौके पर ना मिलने के कारण हमने उनके जो ऑफिस में है अपनी शिकायत दर्ज करा दी है और इस मसले को लेके हम जो SC ST कमीशन में भी जाएंगे, राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन में भी जाएंगे और मेरी राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से एजुकेशन विभाग से यही प्रार्थना है कि शिक्षा के मंदिर के अंदर मास्टर द्वारा एक अध्यापक द्वारा जो है 5 साल की बच्ची के साथ ऐसा घिनौना और अमानवीय जो व्यवहार जो किया गया उसके लिए पूरी तरह से जो है अध्यापक जो पूरा दोषी है और उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है भारतीय संविधान के दायरे में उसके खिलाफ पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे आगे आने वाले समय में जो बच्चों के जो अभिभावक है तो उनके अंदर किसी भी प्रकार की जो है असुरक्षा की भावना न उत्पन्न हो। और मेरी सभी से यही प्रार्थना है कि अब आप इस बच्ची को देख लीजिए, ये बच्ची अध्यापक की मार से कितना सहमी हुई है और कल से कुछ भी नहीं बोल पा रही है और मैं प्रेस के माध्यम से आप सभी से ये प्रार्थना करूँगा इस आवाज़ को जो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुहिम के तौर के ऊपर उसको जो उठाए। एक तरफ तो राज्य सरकार जो बच्चों बच्चियों के जीवन को लेके पूरा अपना जोर शोर से जो है लगी हुई है भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ऐसे जो अध्यापक जो है जो एक राज्य सरकार के जो मिशन को ही पलीता लगाने के जो काम कर रहे हैं ऐसे अध्यापक को जो है विभागीय कार्रवाई इसके ऊपर बिठा के और इस अध्यापक को तुरंत टर्मिनेट किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए जो आने वाले समय के अंदर जो है सभी बच्चों के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा हो। ये थोड़ा भी कांग्रेस के बंदों को ये जीने नहीं देंगे, नौकरी नहीं करने। स्कूल जा रहे, 3री क्लास में पढ़ा है जी। काल कुदरती बेरगन सवाल आए ना आए, बेरगन मन तो आई बात की, ये भी सवाल को नहीं आयो, बहुत बुरी तरह मारी है। मैं क्यों चलो मास्टर गुस्सा मार दे कोई बात नहीं, मैं फिर भी आगे मैंने फ़ोन मिलाए, मैं मास्टर जी मेरी छोरी ने कुकर कुटी, अगर तू ज़्यादा वकील है कि मेरे पर बाद में फ़ोन कौन चक्के, मैं घने फ़ोन मिलाया, अगर गलती मान लिया तो चलो कोई बात नहीं, कुटिया करी है हैं, पर ए मास्टर ही सही जी आगे तैयार हो गए राठा, सार दिन बैठे रहे हंडा, सार दिन चंगो डंगो पड़ंगो खावा, जय राम जी ना पढ़ावा बच्चा अरे बग जे
कितना निशान है थारी छोरी के? छोरे घने मारे डी है जी, मेरा तो जी करा बाई चांस अगर मेरे छोरे तुरंत मन बता दे तो भाई मास्टर की मैं तसल्लियां करा दी मार मार के। कब की घटना है ये? ये कल की घटना है जी। तो क्या चाहते हो आप, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम चाहते हैं जी ऐसे मास्टर का वहाँ कोई काम नहीं है जी, इसे हटा दिया जाए जी। जिसकी उम्र 7 साल है उस बच्ची को रात जब मैं ड्यूटी से घर आया तो मैंने देखा कि उसकी बुरी हालात हो रही थी, जोर जोर पीट के रो रही थी वो, और उसकी क्या नाम है ऐसी हालात हो रही थी कि मानो उस पर कोई संकट से आ गया हो। मास्टर ने ऐसा भी नहीं सोचा, उसको बुरी तरह पीटा है, उसके बाल पकड़ के उसको चला चला के पीटा है, डंडों से इतना पीटा है कि उसके निशान देखे नहीं जाते। हम तो रात के बड़े परेशान हैं जी, और रात के हॉस्पिटल में ला रखी है। मेरी सरकार और सभी से यही अनुरोध है कि उस मास्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको बर्खास्त किया जाए। क्या नाम है जी जिस मास्टर ने आपकी बच्ची? मास्टर जी रिसालिया से हैं, वैसे तो 4-5 मास्टरों का पूरा स्टाफ है रिसालिया से, हमारे जो स्कूल है उसके अंदर। तो मास्टर जी है राकेश जी बाटी है। तो मैं यही अनुरोध करूंगा, मेरे छोटे भाई ने फोन भी किया आके, वो एक मिस्त्री का काम करता है जी बोरों का, रात को 12 बजे जब घर पर आया है, उसकी जो मिसिज थी वो नरमा चुगने गई थी और घर पर आके देखा तो बच्ची की बुरी हालत थी, पड़ी थी, ठीक है। जब भाई 12 बजे आके और उसको मास्टर को फोन मिलाया तो मास्टर जी ने आगे से यही जवाब दिया, क्या तू वकील लग रहा है क्या? तो एक मास्टर दूसरे को फोन मिलाया, वो तो गलती मान रहा था, लेकिन छोटी बिटिया को हम स्कूलों में भेजते हैं तो कुछ शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं जी, तो ये थोड़ी होता है उनको पर शोषण हो इसी तरह पिटा जाए। तो मेरी तेरे की खातर मारी मास्टर? सवाल को नहीं आयो। फिर की सा मारी? क्या मारी? सवाल को नहीं आया जी तुम्हारे? तो फिर घरे जाके बताई को नहीं भी तने पिट्टी है?